तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल देसी बॉयज पे। पहले स्वागत करो प्रिंस भाई का, काफी टाइम बाद आए और आज हम तीनों भी काफी समय के बाद आ गए फिर से एक बार लेके। क्या लेके आए हैं? स्ट्रीट डांसर 3D का सॉन्ग इलीगल दीपन 2.0 तनिष्क बागची जैसे कि रिसेंट में फेमस है, मतलब जो रिमेक करने के लिए नए नए तरीके से आपके पास सॉन्ग्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो गाइस आज हम लेके आए जैस्मिन सैंडल और गैरी सैंधु का बहुत ही फेमस सॉन्ग, सुपर हिट सॉन्ग 2017 में आई थी ये सॉन्ग। अभी ये 2020 का फर्स्ट रिमेक, तो देखते हैं कैसा होगा। इसी हर बार की तरह लॉन्च करते हैं, हर बार की तरह बॉलीवुड में जिस तरीके से रिमेक का ट्रेंड चल रहा है गाइस, तो एक और मतलब पंजाबी फाड़ू सॉन्ग इलीगल वेपन लेके आए। यस, ये कह सकते हो आपकी हर मूवी में एक पंजाबी सॉन्ग का तड़का आ रहा है, होना ही चाहिए। यस, अभी तो इस मूवी में भी एक नया गाना डाला है इसमें, तो देखते हैं पहले इस गाने को। और गाइस आप तो जानते हो, जब हम तीनों एक साथ आते हैं तो हमें दुनिया की कोई भी शक्ति हमें कुछ नहीं कर सकती हमारा। तो आइए पहले आते गाने पे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में अपने फैमिली में शेयर कीजिएगा। ओह माय गॉड, क्या स्पीड है यार, करके देखो अच्छा लगेगा। ये नया डायलॉग है। तो पहले सॉन्ग पे आते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। या 2020 का फर्स्ट रिमेक। अगली बार मुकाबले का मन हो ना तो कुछ नया सीख के आना, हमारे पास और भी बहुत काम है तुम लोगों को दलील करने के अलावा। आंख थोर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूं मैं मारती। Amazing यार, what Shraddha Kapoor dance, अगर guys बात करे जैसे कि पहले वाले सॉन्ग जो था गैरी सैंधु का, जैस्मिन सैंडल का, जिस तरीके से उसका मतलब मूड था और स्ट्रीट डांसर 3D में इसको दिखाया भी गया, अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया सॉन्ग को, एज अ कॉम्पिटिशन दिखाया गया गर्ल एंड बॉयज के बीच में। एंड वरुण धवन, श्रद्धा कपूर ऑसम, और इसके कोरियोग्राफर तो खुद वही होंगे, भाई वो तो है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के साथ जो स्ट्रीट डांसर है, प्रॉपर स्ट्रीट डांसर, और ये रियलिटी मतलब शो के जो पूरी टीम मतलब आग लगा दी है उन्होंने, तो ब्रिलियंट तरीके से जल गया होगा फिर तो। हां, सेट जल गया होगा तो। नहीं, एक्चुअली मैं बोल सकता हूं कि दो सॉन्ग लॉन्च हुआ है अभी तक, ये मुझे बेटर लग रहा है मुकाबला से। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मुझे फार बेटर देन इसमें, क्योंकि ज्यादा दिखाया गया श्रद्धा कपूर को, उसका सारे स्टेप जो इसीलिए बेटर लग रहा है, इसीलिए बेटर लग रहा है क्योंकि उनका यार नजर हटी नहीं रही थी उसके, मतलब अच्छा। जो स्टेप, वो मूव, अच्छा। वो फ्लिक, फैब। ओके, और मतलब बाकी लोग डांस नहीं कर रहे इसका मतलब ये कहना है, तो इसी को दिखाया गया, तूने ध्यान से देखा नहीं लगा। तो गाइस ये गाना कैसे लगा? और हाँ, स्पेशली रिक्वेस्ट आया था किसका? शहनाज और सानिया जी का।
तो आपने कमांड किया, हमने एग्जीक्यूट किया, तो आप पहले कमेंट करो, बताओ कि कैसा लगा आपको। खैर आफ्टर ऑल हम तीनों की तरफ से ये बहुत अच्छा गाना है, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, इस सॉन्ग्स को, सॉन्ग को तो आपने बहुत एंजॉय किया होगा, इस वीडियो को भी एंजॉय कीजिए, ऑफिशियल साइट पे जाके देखिए एंड फिर हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपको ये गाना कैसा लगा। और हाँ, हम तीनों काफी अरसे बाद फिर से एक बार वीडियो में आ रहे हैं, तो वही तुम्हारा लाड़ प्यार दिखाइए कमेंट सेक्शन में आके, मतलब जो बोलना है बोल दो, मतलब मेरे को। और हमने ये भी ध्यान दिया कि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम आईडी हम लोग दे देंगे और हमारे चैनल का दे देंगे, हमारे चैनल का ऑफिशियल दे, हमने अपने चैनल के लिंक तो आपको दे ही रखे, फेसबुक इंस्टा के, हम अपने तीनों भी जो हमारी आईडीज है उसको आपको आपको आपके थ्रू प्रोवाइड कर देंगे आपके पास। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, हमारी मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम द देसी बॉयज़।